मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार हलवा। इसका नाम है अंजीर का हलवा। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अंजीर, यानी कि इसे हम फिग्स कहते हैं। आपने करना है इसको अच्छी तरह वॉश करना है और आपने गर्म पानी में इसको डाल करके सोक कर देना है, सिर्फ इतना कि ये नरम हो जाए। तो ये देख लें, ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर कर चुकी हुई हूँ। और उसके बाद आपको चीज़ें चाहिए, वो आपको चाहिए खोया। ये मैंने बनाया है रिकॉटा चीज़ से, आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो पे। तो ये रिकॉटा चीज़ हो गया, सूजी यानी कि सेमोलिना हो गया, चीनी जाएगी बीच में, दैट्स शुगर, केवड़ा वाटर इस्तेमाल करेंगे, एसेंस के लिए इलायची पाउडर है यहाँ पे, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। साबुत आप तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा पाउडर का मज़ा आता है। बीच में बादाम में दो किस्म के इस्तेमाल कर रही, नट्स पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते, आमंड यानी कि बादाम हो गए। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट कर लें, काजू, जो आपको पसंद है। मैं इसे बनाऊंगी देसी घी में, आप तेल में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना किस तरह। अंजीर का जो पानी है वो आप डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं, और इसे आपने एक चॉपर में डाल लें, ग्राइंडर का जग जो आपके पास है, और अब इसे जो है यहाँ पर ग्राइंड कर। मैं एक्चुअली इसको बना रही हूँ देसी घी में। तो घी को आप करते हैं यहाँ पर गरम, और इसके अंदर आप डालेंगे जो कि आपको सूजी दिखाई थी, और चमचा हिलाते चले जाएँ। और इसको इतना करना है कि सूजी को हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है गोल्डन सा हो जाए, और एक अलहदा सी आपको मीठी मीठी इसकी खुशबू आनी शुरू होती है कि जो सूजी वो अच्छे से बीच में भून गई। तो देख लें, परफेक्टली इसका गोल्डन कलर हो जाता है। फ्लेम मैंने हाई पे रखी है, चमचा बीच में हिलाती चली जा रही हूँ। उसमें क्या है कि आपको एक बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको चीनी दिखाई थी, और इसमें पहले इसको मिक्स कर लें। चीनी चली गई, और फिर आप इसमें ऐड करेंगे जो कि अंजीर हमने यहाँ पर, ये देख लें, परफेक्टली ये ग्राइंड हो जाती है क्योंकि हमने इसे भिगो करके रखा था। ये डाल लें और चमचा हिलाते चले जाएं, और फिर आपको मैं बताती हूँ। अंजीर भी बीच में चली गई है, अब आपने इसको यहाँ पर मिक्स करना है अच्छी तरह, ताकि सूजी, अंजीर और चीनी परफेक्टली मिक्सअप हो जाए। फ्लेम को आप ले आते हैं यहाँ पर लोअर मीडियम पर, वो इसलिए क्योंकि चीनी जो है ऑब्वियसली बीच में गई, वो मेल्ट होगी। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, लो टू मीडियम पर रख कर चमचा हिलाते जाइएगा ताकि जो चीनी का पानी है वो खुश हो जाए। तो ये देख लें, परफेक्टली यहाँ पर हो गया। जो भी आप जिसमें इसको बना रहे हैं, तेल, घी या मक्खन, वो आप देखेंगे इट्स आस ओजिंग आउट। तो जो ये होती हैं हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ, हलवे, इनको हमेशा देसी घी में बनाना चाहिए, इसका ज़्यादा जायका अच्छा आता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि खोया है, इसमें जाएगा केवड़ा वाटर, सब्ज़ इलायचियों का पाउडर, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्सअप हो। अब आप इसमें डालेंगे बादाम, थोड़े से मैं छोड़ूंगी बिल्कुल गार्निशिंग के लिए, ये देख लें, ठीक है। इसी तरह आप तमाम पिस्ते इसमें डालेंगे और थोड़े से छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर लें परफेक्टली, और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप जब इसको सर्व करेंगे, जो मैंने बकाए के बादाम और पिस्ते से इसके ऊपर मैंने डाल दिए हुए हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookwithfaiza.net पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाइए, तब कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।